नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का ऑफिशियल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज एंटरटेनमेंट। और आज जो किस्सा हम आपके लिए लेकर आए हैं उसे सुनकर आप न सिर्फ हैरान हो जाएंगे बल्कि ये सोचने पर भी मजबूर हो जाएंगे क्या वाकई में ऐसा भी हुआ था। और आज हम बात करने वाली हैं बड़े पर्दे पर बहुत ही सक्सेसफुल किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस प्रिया राजवंश की, जिनकी एक बहुत ही दर्दनाक मौत हुई थी। बड़े पर्दे पर भले ही उन्होंने बहुत ही आइकॉनिक रोल्स किए हों लेकिन असल जिंदगी में उनकी जिंदगी तन्हाई में गुजरी। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं प्रिया राजवंश की। प्रिया राजवंश ने फिल्मों में हकीकत फिल्म से बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया, जो कि उस वक्त की ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। और उसके बाद उन्होंने इंडस्ट्री में कई आइकॉनिक रोल्स दिए। आपको बता दें, इंडस्ट्री में उनका जो डेब्यू था वो दीवान उनके भाई चेतन आनंद की वजह से हुआ था, और चेतन आनंद ने ही उन्हें बॉलीवुड में डेब्यू कराया था, जिसके बाद ज्यादातर जो फिल्में थी प्रिया राजवंश की उन्होंने चेतन आनंद के साथ ही की। और फैंस भी इस तरह के जो खबरें हैं वो बहुत वायरल होने लगी, हर मैगजीन हर न्यूज़पेपर में इस तरह के चर्चे हुआ करते थे कि प्रिया राजवंश का जो रिलेशनशिप है वो चेतन आनंद के साथ चल रहा है। उनका जो रूमर्स थी रिलेशनशिप की, और वो कहीं ना कहीं सही भी साबित हुई, और ये एक्टर और डायरेक्टर की जोड़ी ने शादी कर ली। आपको बता दें, चेतन आनंद पहले से ही शादीशुदा थे और उनके दो बेटे भी थे, हालांकि वो अपने बच्चों से और अपनी पत्नी से अलग रहते थे। और बात अगर की जाए प्रिया और चेतन के रिश्ते की, तो इन दोनों के रिश्ते काफी अच्छे थे, काफी अच्छा समय इन दोनों ने गुजारा। लेकिन प्रिया के जिंदगी में मोड़ तब आया जब 1997 में चेतन आनंद की मौत हो गई। जब वसीयत के कागजात पढ़े गए तो ये सामने खुलासा हुआ कि चेतन आनंद ने अपनी सारी जायदाद प्रिया राजवंश के नाम कर दी है, जो कि उनकी पहली पत्नी और उनके पहले दो बेटों को रास नहीं आए। आपको बता दें, उनके बेटे अपने पिता के साथ ही असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर भी काम कर चुके थे, और जब ये बात उन्हें पता चली कि हमारे पिता की सारी जायदाद उन्होंने हमारी दूसरी मां के नाम कर दी है, तो ये उनकी जो है बहुत ही दुश्मनी का कारण भी बनी। जिसके बाद ये बोला जाता है कि यही जायदाद थी और यही वसीयत प्रिया राजवंश की मौत का कारण भी बनी, और उनके दो बेटों ने उन्हें अपनी दूसरी मां की हत्या तक कर दी। जी हां, आपको सुनकर हैरानी होगी लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि उनके सौतेले दोनों बेटों ने उनकी हत्या कर दी, और ये केस आज भी कोर्ट में चल रहा है। आज भी प्रिया राजवंश को न्याय नहीं मिला है। फिलहाल के लिए तो हमने देखा कि किस तरह से प्रिया राजवंश, जो कि बहुत ही सक्सेसफुल एक्ट्रेस थी, निजी जिंदगी में भी उन्हें प्यार मिला लेकिन मौत उन्हें बेहद ही दर्दनाक मिली। फिलहाल के लिए हमारे इस किस्से में बस इतना ही, लेकिन आपका इस किस्से पर अपनी क्या राय आप रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देखते रहिए इंडिया न्यूज एंटरटेनमेंट।